सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैन फॉलोइंग देश ही नहीं विदेशों में भी है। उनके लिए फैंस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक फैन के साथ स्कैम हो गया। सिद्धार्थ के नाम पर एक फैन ने 50 लाख की रकम छक ली। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की ही एक फैन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट शेयर करके बताया कि ऐसे सिद्धार्थ की जान खतरे में है, कहकर दो लड़कियों ने उनसे 50 लाख रुपए छक लिए। फैन के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैंस सिद्धार्थ को पोस्ट में टैग करके उन्हें इस स्कैम के बारे में बताना चाहते हैं। सलमान खान अपनी फिल्मों को ज्यादातर ईद या दिवाली के मौके पर ही रिलीज करते हैं। ऐसे में भाईजान की फिल्में उनके फैंस के त्यौहार को खास बना देती है। बीते साल डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म बब्बर शेर को लेकर खूब चर्चा हुई थी। कबीर अपनी इस फिल्म को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। डायरेक्टर ने अपनी इस फिल्म के लिए सलमान खान का नाम फाइनल किया था, लेकिन अब ये फिल्म अटकती हुई नजर आ रही है। साथ ही ये भी कन्फर्म नहीं है कि सलमान ही बब्बर शेर बनेंगे। मंगलवार को भी अंबानी परिवार ने अनंत अंबानी और राधिका की शादी से पहले नेक काम किया। एक सामूहिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ ही ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका मेहता और आनंद पिरामल भी मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी और खास उपहार भी दिए। इन खास तोहफों में सोने और चांदी के गहने भी शामिल थे। अंबानी परिवार के इस खास आयोजन की काफी तारीफें हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बाद हनीमून मना रहे हैं। सोनाक्षी ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर पति जहीर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर की। इनमें सोनाक्षी और जहीर साथ में स्विमिंग पूल में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में सोनाक्षी और जहीर स्विमिंग पूल के किनारे साथ दिख रहे हैं। सोनाक्षी के हाथ में किसी ड्रिंक का एक ग्लास और तस्वीर पर उन्होंने कैप्शन दिया है, खूबसूरत सनसेट। एक अन्य तस्वीर में सोनाक्षी और जहीर स्विमिंग पूल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं। कल की 2898 एडी का जलवा लगातार बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। पैन इंडिया स्टार प्रभास स्टारर्स इस फिल्म को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कल की 2898 एडी ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को 27 करोड़ 85 लाख की कमाई की। कल की 2898 एडी ने छठे दिन की कमाई के मामले में पठान, जवान और एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया है। रिलीज के छठे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कल की 2898 एडी पहली फिल्म बन गई है।